दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वकीलों को जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं, साथ ही साथ उनको जो विशेष छूट मिलती है, उन सभी के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वकीलों को मिलने वाली सभी अधिकारों का और वकीलों को मिलने वाली छूट का पता चल सके। वकीलों को कौन कौन से विशेष अधिकार और विशेष छूट प्रदान होती है जिससे वकील आम पब्लिक से ऊपर हो जाते हैं, आम पब्लिक से अलग हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक वकीलों के अधिकार और छूट के बारे में। इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, LLB की 3 इयर्स और 5 इयर्स की लॉ डिग्री पास करने के बाद में एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत वकीलों को कुछ स्पेशल अधिकार और गिरफ्तारी से छूट जैसे कुछ इम्पोर्टेंट छूटें प्रदान की गई है। तो आगे बात करते हैं एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत वकीलों को दिए गए अधिकार क्या क्या हैं। इसमें सबसे पहला आता है फ्रेंड्स राइट टू प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस करने का अधिकार, सेक्शन 30। फ्रेंड्स, एडवोकेट को एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 30 के तहत वकीलों को स्टेट बार काउंसिल में अगर रजिस्टर्ड है तो उसे भारत के किसी भी कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल में एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करने का अधिकार प्राप्त है। इतना ही नहीं, वकील अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट, मतलब हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी वो प्रैक्टिस कर सकता है, उन्हें यह भी अधिकार प्राप्त है। इसमें फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट बात, नए रूल्स के अकॉर्डिंग यदि स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने वाले एडवोकेट ने LLB की डिग्री 2010 या 2010 के बाद में पास की है तो उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली AIBE की परीक्षा, मतलब ऑल इंडिया बार एग्जाम की परीक्षा को पास करना जरूरी होता है। अगर वो पास आउट नहीं होता तो उस एडवोकेट का ये राइट टू प्रैक्टिस का अधिकार वापस ले लिया जाता है और वो एडवोकेट नहीं रह जाता। तो इसमें जिस वकील ने 2010 या 2010 के बाद में LLB की डिग्री पास आउट की है, LLB की डिग्री हासिल की है, तो उस वकील को AIBE का एग्ज़ाम कंपलसरी पास आउट करना होता है। इसके बाद में दूसरा जो इम्पोर्टेंट अधिकार है फ्रेंड्स वो है राइट टू प्री ऑडियंस, सेक्शन 23। फ्रेंड्स, एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत एडवोकेट को सेक्शन 32 के तहत एडवोकेट एक्ट 19 प्री ऑडियंस का अधिकार प्राप्त होता है। इसकी वजह से एडवोकेट एक्ट 19 की तुलना में सबसे पहले सुने जाने का अधिकार उसे प्राप्त होता है और कोर्ट में एडवोकेट द्वारा अपने क्लाइंट के पक्ष में अपनी बात को रखते समय कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है जब तक कि वह अपनी बात को पूरी नहीं कर देता है। लेकिन एडवोकेट के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का हनन भी नहीं होना चाहिए। इसी में आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि वकीलों को दी जाने वाली छूट के बारे में, वकीलों को कौन कौन सी छूट प्रदान की जाती है। सबसे पहले जो वकीलों की छूट मिलती है वो है होती है फ्रेंड्स गिरफ्तारी से छूट। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी एडवोकेट को सिविल केसेस में गिरफ्तारी से छूट प्रदान की गई है। यह छूट CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन 135 के तहत दी गई है। इसके अनुसार एक एडवोकेट जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल अटेंड करने जा रहा है या अटेंड करके वापस आ रहा है तो उसे उस वक्त उसे सिविल केसेस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स ये है कि ये सुविधा क्रिमिनल ऑफेंसेस में या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं दी गई है। इसके बाद में वकीलों को जो दूसरी छूट प्रदान की गई वो है फ्रेंड्स जेल में कैदियों से मिलने की छूट, मतलब कैदियों से मिलने का अधिकार। इसमें मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि जेल में नियमों के अनुसार सप्ताह में 2 दिन यानी ट्यूसडे, थर्सडे, गुरुवार और मंगलवार को कैदियों से मुलाकात के दिन होते हैं। इन 2 दिनों में प्रत्येक व्यक्ति केवल इन्हीं दिनों में कैदी से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन एक वकील जब चाहे और जितनी बार चाहे कैदी से अपने क्लाइंट से वो मिल सकता है। उन्हें भी ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि वो जब चाहें जितनी बार चाहें अपने क्लाइंट से दिन में मिलने जा सकते हैं। इसके बाद में तीसरी जो छूट प्रदान की गई है वो है फ्रेंड्स इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 126 के अनुसार पेशेवर रोजगार के उद्देश्य के लिए अधिवक्ताओं को और ग्राहक के बीच में जो बातचीत जो डील होती है, मतलब वकील और क्लाइंट के बीच में जो उनके जो केसेस है उसको लेकर जो भी डील की गई होती है कि इतने रुपए में वो जो भी डील होती है उस डील का खुलासा करने की अनुमति नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो ये उसे अपराध माना जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो कि वकीलों को जो विशेष अधिकार प्राप्त किए गए हैं और साथ ही साथ उन्हें जो एग्जेम्पशंस मिली है, मतलब उन्हें जो छूट प्रदान की गई है, उन सभी के बारे में। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज आपने इस वीडियो में यह जाना है कि वकीलों को क्या क्या छूटें प्रदान की गई है, क्या क्या उनके अधिकार होते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।